हेलो गाइस, कैसे हैं और कैसे लग रहा है? परशुराम का जितना भी मंदिर है और ऑल एरिया आप लोग को देखने मिलेगा। लाइन पे रहो और देखते रहो परशुराम का किधर किधर मंदिर है, विष्णु मंदिर के किधर है, क्या क्या है, पूरा डिटेल आपको दिखाने वाला है। तो देखते रहो, ये परशुराम का सबसे पास वाला मंदिर है और ये परशुराम है और अंदर में भी क्या क्या है और कैसे बनाया, कब बनाया, उसका जानकारी पर देने वाला है। तो देखते रहो, बनते रहो। ये है परशुराम का जो नहाने वाला एरिया। यहाँ पे हर कोई आता है तो नहा के यहाँ से चला जाता है। तो बनते रहो, देखते हो, हर कोई आप लोग को मिलेगा। और ये है हेलीपैड एरिया, काफ़ी अच्छा है नज़ारा। तो सारा वीडियो देखने के लिए देखते रहो और कैसा लगा बाद में हम लोग को मिलते रहेगा। तो देखते रहो, बनते रहो, परशुराम का पूरा एरिया लोकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। हेलो गाइस, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा। जर्नी तो बहुत लंग जर्नी हो रहा है, अभी पहुंचने वाला हो गया। तो भाई लोग अभी सब लोग रुक है, तो चाय वाय पीने वाला है और मछली भी है साथ में। यहाँ अभी हम लोग चाय वाय पिएगा, चाय पीने का बात करते हैं। यहाँ से लंग जर्नी पूरा परशुराम तक यात्रा करेगा अभी। तो देखते रहो, बनते रहो। तो अभी फिलहाल अभी एक होटल में घुस गया, तो चाय वाय पी के उसका पार्ट में फिर आप लोग को आगे देखते रहो, आगे का नज़ारा कैसा होगा। बढ़िया बढ़िया नज़ारा, धमाकेदार छठ नज़ारा दिखाएगा, जिंदगी में जब कभी नहीं दिखाई वाला नज़ारा दिखाने मिलेगा। और देखते रहो, बनते रहो, पहले हम चाय पीना गर्म गर्म पीने का पार्ट में फिर। क्या मस्त रास्ता है, क्या लोकेशन है भाई, अरे देखने वाला रास्ता है। अगर अरुणाचल आएगा तो ये नामसाई होके आइए, जो नामसाई से तेजू होके आलूबड़ी घाट होके जाता है ये परशुराम। तो बहुत बढ़िया बनाया लोकेशन, बहुत अच्छा लगा हमको। अरुणाचल आके जब ये रास्ता देखने मिला तो हमको बहुत अच्छा फील हुआ। और अभी ये रास्ता जा रहा है हम लोग आलूबड़ी घाट होके जाएगा, ताकि ये डायरेक्ट परशुराम से कनेक्टिंग है। तो ये ब्रिज व्रिज, ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देख के। तो देखते रहो, बनते रहो लाइन पे, क्योंकि हम लोग ये पार होने के बाद में मिडू गुना नगर, उसका बाद में वाक्रो चौकाम होके जा रहा है हम लोग। तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, यहाँ का दिखने में भी बहुत बढ़िया है। तो आप लोग को परशुराम हम लोग पूरा डिटेल जितना भी मंदिर है दिखाने वाला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मेरा मामा जी है साथ में, मामा जी दरोंग से आया हुआ है, ताकि दरोंग से दो मामा जी आया मेरा, और हम मेरा दोस्त भी है साथ में। तो आप लोग देखते रहो और थोड़ा इंतज़ार करो, परशुराम पूछने वाला होने वाला हो गया मैं धीरे धीरे, ताकि आधा रास्ता अभी है। तो फिलहाल नज़ारा काफ़ी अच्छा है, देखने का जगह भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग देखते रहो, बनते रहो, क्या मज़ा नज़ारा है। या एक दोस्त सो रहा है मेरा मामा जी, और बाकी दोस्त ठीक ठाक है। और बनते रहो, अभी आधा रास्ता पहुँचना, मंदिर भी पहुँच गया। तो लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा हमको, यहाँ का ठंडी हवा में घूमने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बनते रहो, लाइन पे रहो, देखने वाला है।
लोग पहुंच गया अभी चोखम, जो चोखम का गेट है ये। तो चोखम गेट पार करने वाला हो गया और आगे आगे फौजी का भी गाड़ी जा रहा है, आर्मी लोग का गाड़ी, तो उसका पीछे पीछे जा रहा है हम लोग धीरे धीरे। तो फिलहाल अभी इसका गाड़ी का हम लोग को थोड़ा क्रॉस करके, थोड़ा क्रॉस करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखते रहो, बनते रहो लाइन पे, क्योंकि अभी पहुँचने वाला हो गया। तो आप लोग देखते रहो, थोड़ा बात का थोड़ा और हाफ एन हावर्स बाकी है। तो आप लोग को मंदिर सब देखने मिलेगा, यहाँ का कैसे है लोकेशन। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि ये लोकेशन कैसे लगा। और अरुणाचल प्रदेश में जो ये पुशोराम जाने वाला रोड और पुशोराम का मंदिर जो भी है, आप लोग का कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। क्योंकि बनते रहो, क्योंकि हर कोई आता नहीं है, तो अभी फिलहाल आएगा तो भी आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आगे दिखाने वाला है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाला है, थोड़ा बाकी है। और तो देखते रहो, बनते रहो लाइन पे, और कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी मिला हम लोग को ये साइकिलिंग वाला, जो ये बहुत दूर दूर थे आशा, और ये लोग साइकिल पैदल मार मार के इतना दूर दूर। हम लोग को गाड़ी में आते आते भाई परेशान हो गया, लेकिन देखो ये लोग जवान इतना दूर से साइकिल पैदल मार मार के आता है। लोग साइकिल मार मार के पुशोराम पहुँचने वाला है, आप लोग देखते रहो। दूर आ गया, अभी पुशोराम पहुँचने वाला हो गया, क्योंकि हम लोग पुशोराम जा रहे हैं अभी, और थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा देर का बाद में हम लोग पुशोराम पहुँचने वाला है। तो देखते रहिए, बनते रहे, अगर कैसा लग रहा है हम लोग का जगह, जो लोकेशन कैसा लग रहा है, अच्छा अच्छा लोकेशन दिखाने के लिए कोशिश करेगा, और से भी अच्छा लोकेशन देखते रहो, और आगे क्या हो रहा है देखते रहो, बने रहो लाइफ में, तो भी ना पूरा दिल्ली मिलेगा। हो गया और 10-15 मिनट है, क्योंकि ये पुशोराम का जो पहाड़ है वो दिखाई मिल रहा है हम लोग को, और दुकान वकान मिल गया। तो पुशोराम का हम लोग जो मेन गेट है, अभी गेट में पहुंच गया। तो ये हो गया पुशोराम मंदिर का पहला गेट। तो अभी इस गेट से घुस रहे हैं हम लोग, गेट
का अंदर फैलाल जा रहा है ताकि ये गेट का थोड़ा आगे अभी मेपुचोरम मंदिर घुसने वाला है। तो देखते रहो, बनते रहो और कैसे लग रहा है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। फिलहाल पुचोरम हम लोग पहुँच गया, तो अभी फिलहाल हम लोग गाड़ी पार्किंग करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग करेगा हम लोग। पार्किंग वार्किंग करके गाड़ी हम लोग साइड में लगा रहे हैं अभी। तो फिलहाल पहुँच गया, तो हम लोग उतर रहे हैं अभी, गाड़ी को यहाँ लगाएगा। तो यह दुकान वकान है सर। हेलो गाइस, इस बार हम लोग पुशुराम पहुंच गया, तो पुशुराम का आगे में जा रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ मेरा पीछे मंदिर अंदिर है, तो यहाँ से शुरुआत इस सीढ़ी से। तो हम लोग यहाँ अगरबत्ती ले रहे हैं दुकान से, तो ये अगरबत्ती वगैरह लेके उसका बाद में हम लोग और एंट्री है। और देखते रहो कैसा लग रहा है पुशुराम, जो यहाँ का लोकेशन कैसा है हम लोग को दिखाते रहेगा। और देखते रहो, कुछ नज़ारा भी अच्छा है यहाँ का। तो अभी पुशुराम पहुँच गए, तो मंदिर में घुसने वाला है अभी यहाँ से हम लोग, और आप लोग को दिखाते रहेगा। देखते रहो कैसा है। अभी हम लोग एंट्री हो गया, हम लोग अभी सीढ़ी से जा रहे हैं, मैं उतर रहा है। तो पहले यहाँ सबसे पहले ये है गणेश मंदिर। तो मामा श्री भी आ रहा है, आगे जा रहा है, तो ये गणेश मंदिर है। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे का मंदिर दिखाते रहेगा। तो पहला कदम है हम लोग का मंदिर का, पहला सीढ़ी हम लोग उतर गया। तो अभी यहाँ से धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। ये है गणेश मंदिर, सबसे पहले है पुचोरम में जो गणेश मंदिर, उसका पार्ट में हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो यहाँ साधु बाबा जो हमेशा रहता है, तो साधु बाबा लोग यहाँ बैठा है। तो इसी सीढ़ी से हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, और मामा जी भी आगे आगे जा रहे हैं। तो बड़ा काफ़ी अच्छा नज़ारा, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा, दिल खोज हो गया, ऐसा आया जैसा कुछ आसमान में आया। तो ये है पुशुराम बाबा का पहला मंदिर है, जो ताकि यहाँ उसका मूर्ति बना के रखा, जो गोल्डन कलर का जो। अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर। तो ये है हनुमान मंदिर, तो अभी हनुमान मंदिर का दर्शन करके आएगा हम लोग। तो देखते रहो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो फिलहाल हमें एंट्री हो रहा है, जो यहाँ काफ़ी सारा आदमी है। और ये है नारायण मंदिर, और ये है हनुमान मंदिर। अभी हनुमान मंदिर का आगे दुकान वकान है, यहाँ काफ़ी सारा सामान है।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एंट्री हो रहे हैं जूता वोता खोल के, अभी हम लोग आ रहे हैं हनुमान मंदिर। तो हनुमान मंदिर को दर्शन करने का बाद में हम लोग जाएगा अभी ये नीचे जो सीढ़ी है जो नहाता है लोग, तो नहाने का वहाँ नदी झरना दिखाने वाला है। तो देखते रहो बनते रहो लाइन पे कैसे लगा। तो यहाँ पहले हम लोग हनुमान मंदिर दर्शन होके उसके बाद में नीचे जाएगा, तो वहाँ का लोकेशन में आप लोग को दिखाएगा। तो बहुत काफ़ी अच्छा है नज़ारा, बहुत सुंदर है, बनते रहो और देखते रहो। यहाँ का सारा मंदिर दिखाने वाला है। उसके बाद में हम लोग जो नीचे में जाएगा उसको अभी हम लोग लोकेशन जो नदी ब्रिज है वो भी ये है नारायण मंदिर। और अभी फिलहाल हम लोग आ रहा है यहाँ जो हनुमान मंदिर, तो ये है सीढ़ी। तो सीढ़ी से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो मंदिर में, हनुमान मंदिर में दर्शन करने करके। तो फिलहाल हम लोग का दर्शन अर्चन हो गया, तो दर्शन अर्चन हो के फिलहाल अभी घूम रहा है, बहुत सारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मंदिर वंदिर सब घुमा है और यहाँ ब्रिज है, ब्रिज का नीचे में भी जाएगा। और मेरा पीछे भी यहाँ मंदिर है और रास्ता भी बहुत बहुत बढ़िया बना है। तो हम लोग थोड़ा आगे और जाके देखते हैं। तो देखते रहो बनते रहो कैसा लग रहा है आप लोग के यहाँ का लोकेशन। परशुराम जो जो आया नहीं है तो आके देखिए, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो आप लोग देखते रहो। और ये है मंदिर, तो परशुराम मंदिर में भी गया हम लोग। तो आगे तक हम लोग अभी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बनते रहो देखते रहो कैसा लग रहा है यहाँ का लोकेशन। आप लोग पता और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि यहाँ का लोकेशन परशुराम का आप लोगों को कैसा लगा और कैसा फील हुआ। नज़ारा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी फिलहाल हम लोग नीचे जा रहा है जहाँ की जो नहाता है, दूर दूर से आता है, आसाम से, नेपाल से, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग देशों से आता है यहाँ। तो मामा श्री वहाँ खड़ा है। तो अभी देखते रहो यहाँ नदी का बारे में दिख रहा है अभी जो ब्रिज है, और जो यहाँ पुण्य यहाँ में नहाने से बहुत पाप मुक्ति होता है, पुण्य होता है। तो ये नहाने का जगह अभी दिखाने जा रहा है। तो फिलहाल देखते रहो बनते रहो यहाँ का नदी कैसा लगता है और ब्रिज कैसा लग रहा है। तो फिलहाल पूछने वाला हो गया, मैं बहुत नीचे आ गया अभी। तो बहुत बड़ा भी ये जो है पहाड़, ये नदियाँ जो है काफ़ी सुंदर है लोकेशन। ऐसा फील हुआ कि जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा नाइस लोकेशन है। तो देखते रहे बनते रहे, ये यहाँ का एरिया सब दिखाने वाला है, बहुत अच्छा फील हुआ। आप लोग भी आइए, अगर कोई नहीं आया तो देखने के लिए आइए, काफ़ी सुंदर, अपना दिल सुकून से खुश हो जाता है। ये मंदिर जब दिखने का बहुत बढ़िया। तो ये हम बड़ा बड़ा पत्थर, तो हम लोग अभी फिलहाल पहुँच गया। देखते रहो बनते रहो लाइन पे।
तो यहाँ से देख के ख़त्म हो गया। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग जो पुशोराम का हेलीपैड एरिया, जहाँ से वो हेलीपैड का मतलब तो सबको मालूम है। तो अभी फिलहाल लोकेशन देखने जा रहा है। तो यहाँ का बहुत काफ़ी सुंदर है नज़ारा, काफ़ी ठंडी हवाएं आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी पहुँचने वाला है हम लोग पुशोराम का जो हेलीपैड एरिया बोलते, बहुत सुंदर नज़ारा सुंदर है। तो उसी हेलीपैड एरिया को देखने जा रहा है। तो अभी हम लोग फिलहाल हेलीपैड एरिया पहुँचने वाला है। तो देखिए काफ़ी सुंदर है नज़ारा, देखने में बहुत खूबसूरत है। तो देखते रहो, बनते रहो हम लोग।